गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसी से मिलता जुलता साथ में था इम्फैटिक प्रोनाउन। आज हम लोग बात करते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन की। इनडिफिनिट प्रोनाउन कभी कभी कोई प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर किसी अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं तो उन्हें इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ये प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आ करके अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं तो उन्हें इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आप देख लें, ऑल, मेनी, मच, लिटिल, फ्यू, एनी, वन, ईटीसी। लिटिल फ्यू आपको एडजेक्टिव में भी देखने को मिलेंगे, फिर वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल देख लें अगर इसका, वन मस्ट लव वंस कंट्री, तो यहाँ वन जो है अनिश्चित नाउन का बोध करा रहा है और ये जो है ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है जो किसी इनडिफिनिट नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है नंबरिंग, आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, इसे नोट कर लें, फिर अगला नेक्स्ट स्लाइड में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यह प्रोनाउन वाक्य में आए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ईटीसी। एग्जाम्पल देख लें, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज
रिवार्डेड। तो यहाँ जितनी लड़कियाँ हैं उनमें से प्रत्येक का बोध करा रहा है कौन शब्द, ईच शब्द। तो ये यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद 9 नंबर पर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नोट कर लें आप लोग। यह प्रोनाउन पारस्परिक संबंध प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे ईच अदर, वन एनादर। नोट डालीजिएगा, ईच अदर, अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन एनादर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आता है या प्रयोग किया जाता है। ये देख ले, नोट कर ले। एग्जांपल हम दूसरे स्लाइड में कर लेते हैं, उसका देख ले। अरुण एंड वरुण लव ईच अदर। तो ये दो लोगों के लिए है तो ईच अदर का प्रयोग हुआ है, उसका भी देख ले। ऑल स्टूडेंट्स हेल्प वन एनादर। क्लियर हो गया होगा, ये ईच अदर केवल दो व्यक्तियों के लिए है और वन एनादर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए है। प्रोनाउन इसी से, यहीं से प्रोनाउन के काइंड्स जो हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे मैं जनरल बातें कर लूँ आज केवल, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे इसमें होता है जी क्यू और बी क्यू। जी क्यू वन टू सॉरी टू थ्री वन और वी क्यू वन टू थ्री। ये प्रोनाउन के पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जी क्यू मतलब गुड क्वालिटी। यदि सेंटेंस से गुड क्वालिटी का बोध हो तो वहाँ पर उनका क्रम पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए। और यदि बैड क्वालिटी का बोध हो तो उनका प्रयोग फर्स्ट पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन होना चाहिए। हालांकि जनरल अगर आप बात करें जनरल बुक्स में, सही इसका उपयोग यही माना जाता है, 231 का क्रम ही सही उपयोग माना जाता है। जब हम लिखें, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ही यू एंड आई रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स।
तो यहाँ पर ये जो क्रम है थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। सही होना चाहिए यू, ही एंड आई रेस्पेक्ट आवर इल्डर्स। ये आपका सही क्रम है, 223 के क्रम में इनको रखना चाहिए। क्लियर। इनकी चर्चा हम लोग आगे, अभी हम टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे इनके सबके यूज़ की, और वो जिसे बोलते हैं सिंटैक्स, करेक्ट यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सही स्थान पर सही प्रयोग, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, नोट्स बनाते चलिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए। हाँ, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसमें आल शो करेगा, तो आल को दबा देंगे तो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।